अब्दुल कलाम के टेलीफोन आई थी 12:30 बजे कि तुरंत आओ और 1 बजे के पहले मुझे मिलना है आपसे, नहीं तो मत आओ, ऐसा कह रहे थे। तो मैं को कुछ बहुत अर्जेंट हो गया, मैं लंच को छोड़कर भागा और 12:45 बजे वहाँ पहुँचा और इस कमरे में सारे ऑफिसर्स बैठे थे। तो उन्होंने बताया कि इनको समझाओ कि क्या तुमने जो चिट्ठी लिखी है मुझे उसमें क्या आपने टेक्निकल ऑब्जेक्शन रेज़ किए। मैंने कहा कि पहले तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि इसका जो सिटीजनशिप की जो है वो इरेगुलर है, क्योंकि वो फॉर्म में सारी बातें भरी नहीं, लेकिन उसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इंदिरा गांधी के आदेश पर उस नागरिक बन गई थी 1983 में। लेकिन एक कंडीशन है सिटीजनशिप एक्ट, उसको अब डिलीट कर दिया है, परंतु वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिलीशन है, कभी भी मैं दोबारा उसको ला सकता हूँ। उस समय एक कंडीशन थी सिटीजनशिप एक्ट सेक्शन 5 में कि जो भी विदेशी इस देश में नागरिक बनेगा उस पर वही अंकुश लगेंगे या कंडीशंस लगेंगे जो इंडियन उनके देश में बनने के उस पर लग जाती है। अब इटली में कोई इंडियन बनेगा सिटीजन तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, वहाँ पैदा नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली सोनिया गांधी भी यहाँ नहीं बन सकती क्योंकि यहाँ पैदा नहीं हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तो पहले क्यों नहीं बताया। मैंने कहा आपको चिट्ठी लिखी थी, जब जैसे 14 तारीख को इनकी रिजल्ट्स आने लग गई और अंबिका सोनी ने कोई बयान भी दिया था कि वो बनने वाली है, तो मैंने चिट्ठी लिखी। उस दिन 17 था 17 में और टेलीविज़न में क्रीड होने लगे कि 5 बजे वो उसको सरकार बनाने की दावा है, आई मीन और उनकी आमंत्रण निमंत्रण है और 5 बजे देने वाले हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि यदि आप इस मेरी बात को मान लेंगे तो वो 5 बजे का जो ऐलान उसका क्या होगा। उन्होंने कहा वो तो 5 बजे है, अभी तो 1 बजे है, हैं तो देखो। मैंने कहा वहाँ बाहर प्रेस खड़े हैं और जी न्यूज़ का तो मुझे याद है, ये लोग खड़े हैं, तो मैं क्या बोलूँ उनको। उनको बोलिए कि आपने ये दिया है और ये गंभीरता से इसको विचार कर रहे हैं, इतना बोल दीजिए। बाहर आया, मैंने बोला परंतु सारे तुम्हारे अखबार वाले तो बड़े हल्के दिमाग के हैं ना, वो कह रहे काई को स्वामी ऐसे ही तुम हर बात पर आड़ंगा करते हो ये तो होने वाला है, सारा परिवार आ गई है इटली में, सब तैयारी है कुंभ अभिषेक होने का। तो मैं फिर वहाँ से निकला। इनको 3 बजे राष्ट्रपति भवन से सोनिया गांधी को खबर आई कि एक चिट्ठी आ रही है, और जब वो चिट्ठी आई उसमें दो लोग थे इसके साथ, बाकी किसी को इन्होंने बता नहीं कि चिट्ठी आ रही है। उसमें अब्दुल कलाम ने चिट्ठी में लिखी कि मैं आपको 5 बजे आने के लिए कहा था, लेकिन मुझे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के कंप्लेंट आई है जिसको मुझे जांच करनी है, तो फिलहाल तो मैं आपको सरकार बनाने के लिए इन्हें बुला नहीं सकता, और इसलिए 5 बजे का जो है वो कैंसिल हो गया। लेकिन फिर भी आप सरकार बनाने के लिए खुद नहीं बट किसी और से, तो फिर कल 10 बजे आइए। तो अगले 10 बजे वो सुबह गई थी। 5 बजे की मीटिंग में सारे MPs कलेक्ट हो गए और देरी होने लग गई। फिर मनमोहन सिंह आए, उन्होंने एक चिट्ठी पढ़ी कि, और वो लास्ट लाइन ही पढ़ी कि यदि आपको सरकार बनाने की इच्छा है तो आप कल 10 बजे आइए, बाकी चीज़ को नहीं पढ़ा पढ़ भी नहीं सकता। वो चिट्ठी अभी कहाँ है, मैंने सुना है कि प्रतिभा पाटिल बनने के बाद उस चिट्ठी को गायब कर दिया है, बट एनीवे वो तो फिर भी ट्रेस हो सकता है।
और उस समय उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत है, उन्होंने चंद्रशेखर को बुलाकर कहा तुम्हारे स्वामी ने कमाल काम कर दिया, इस महिला को रोक दिया। तो मुझे पुष्टि मिल गई कि मेरे कारण से हुआ। तो एक बात यह है। दूसरी बात है कि इन्होंने 330 चिट्ठियां एमपी से अलग अलग मांगी पेश करने के लिए। इरादा नहीं था तो पेश क्यों किया तुमने? ये तो मैंने उनके मेज पर देखा था, अब्दुल कलाम के मेज में। और उसमें एक चिट्ठी ये भी थी जो उत्तर प्रदेश से, यानी हर प्रांत के अनुसार उसने चिट्ठियों को इकट्ठा कर दिया था जीतने वाले। उसमें एक था कि आई सोनिया गांधी इलेक्टेड फ्रॉम रायबरेली हियर बाय प्रपोज सोनिया गांधी फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये झूठ, दूसरी झूठ हो गई। आपने पहले दावा किया, आप कहते हो कि मैं कभी नहीं चाहती थी, झूठ बोली। फिर खुद उसने चिट्ठी लिखी। और तीसरा, आप ये चेक कर सकते हो, मुझे पूरा कंफर्मेशन है इसका, कि शरद पवार ने चिट्ठी जो लिखी उसमें उन्होंने यही कहा कि उनका जो उस समय पार्टी जो भी थी एनसीपी, वी सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट बाय कांग्रेस पार्टी। सोनिया गांधी ने फोन किया एनसीपी के किसी नेता से, कहा कि शरद पवार को कहो कि ऐसा ना लिखें, फिर उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, हर एमपी अलग से लिखनी चाहिए आई प्रपोज सोनिया गांधी फॉर प्राइम मिनिस्टर। अरे नॉर्मल तो यही होता कि पार्टी को दावा होता है और पार्टी किसी नुमाइंदे को चुनकर भेजती है। तो ये दूसरा तीसरा झूठ हो गया। तो मैं समझता हूं कि हमारे अनुपम जी ने ऐतिहासिक काम किया है कि इतनी बड़ी झूठ कि उसने त्याग किया, आंसू बहा रहे थे। और बीजेपी में उस समय ना वाजपेयी ना अडवाणी पक्ष में थे। मैं वैसे जॉर्ज फर्नांडिस के घर गया, मैंने कहा कि सुबह उस समय सीधा फोन नहीं आया था अब्दुल कलाम से, मैंने कहा जॉर्ज मैंने ये चिट्ठी लिखी है तो इस पर हम चले जाते हैं, ट्राई करते हैं। बाकी लोग तो कह रहे थे कि हम संन्यास ले लेंगे, हम सुषमा ने कहा कि हम बाल सब शेव करके साड़ी पहन के फर्ज में सोने लगेंगे, वो तो अपने ऊपर, परंतु कोई रोकने के लिए किसी ने क्या, जॉर्ज तैयार था। बट उसने जाने के पहले अडवाणी से पूछा, अडवाणी ने कहा मैं वाजपेयी से पूछता हूँ, वाजपेयी ने उसको मना कर दिया और जॉर्ज रोने पड़ा मेरे सामने। मैं क्या करूँ स्वामी, मेरी मजबूरी है, मैंने मना, मैं इसको इन्होंने वाजपेयी ने मुझे डिफेंस मिनिस्टर बनाया, ये बनाया, मैं कैसे उसके विपरीत जाता, मैं पूछना ही नहीं चाहिए था, पूछने के बाद ये हो गया, मैंने सोचा नहीं। तो मैंने सोचा फिर छोड़ो इन लोगों को, किसी को इंटरेस्ट नहीं, तो मैं घर चले गया। फिर ये फ़ोन आया था तभी गया था। तो ये बहुत बड़ी घटना है इतिहास में। और मैंने इस सिनेमा में मेरा कोई भाग नहीं है, ना अनुपम खेर ने मुझसे पूछा, ना मैं कोई स्क्रिप्ट देखा, ना मुझे कुछ पता था। अभी टेलीविजन में वो कह रहे हैं तो मैं पुष्टि में कह रहा हूँ कि ये 100% सही है। और आज जांच खोलवा दीजिए, मैं सारा डॉक्यूमेंट बाहर निकाल के दे दूँगा। यस, आई कॉन्ग्रेचुलेट अनुपम खेर, it is almost like the work that was done in unraveling the Watergate scandal in United States. It has far-reaching implication because there was this bogus pretense that she sacrificed the prime ministership. The fact is that she had invited the entire family from Italy for a coronation-like arrangement with all the galas, you know, glamour, color. And I was in Chennai, and by the time, so I wrote a letter from there that on 14th May 2004, that I see from newspaper that Ambika Soni says that Sonia Gandhi will be the prime minister candidate for Congress.
So I wrote to Abdul Kalam, and I, of course I knew him very well. He was also from my neighboring district of Ramanathapuram. I'm from Madurai. And when I was minister in Chandrasekhar's government, he was working as the scientific advisor. I wrote him a letter on 14th May, pointing out that he cannot administer oath of office to Sonia Gandhi because there is a legal bar. And then quoted the section, proviso to section 5 of the Citizenship Act. So then I came to Delhi, and on 17th morning I was about to sit down for lunch when a phone call came from the Rashtrapati Bhavan, and Abdul Kalam came on the line and asked me to come right away. I said, I was eating lunch, can I come after lunch? He said, no, you have to come before 1 o'clock. So I went running. In the morning I had lost all hope, because I had gone to George Fernandez's house. He is known to be very anti-Sonia, so I thought I'll talk to him first and asked him, let's both go and meet Abdul Kalam. And he was defense minister, so Abdul Kalam sometime worked under him in his ministry. So I said, both of us know him, let's go and talk to him. So he sought Advani's permission. Advani asked Bajpai, and Bajpai said, no, nothing of the kind, you can't go. Let this thing go through. I mean, I have nothing to say on that, except George burst into tears. I mean, I've never seen tears rolling down George's. He said, you go. I'm heartbroken, but I can't go. So I said, why should I? I mean, it's not, everything can't be my headache. If these people don't want, and why should I stop her? And anyway, at that time I didn't know what kind of woman she was, because I only knew her as a person who couldn't keep her. I mean, anyway, I had a very poor opinion of her. I had a very high opinion of her husband, Rajiv, but not her. I went home, and when I went to Abdul Kalam's room, there were all his officers sitting. So he asked me, you wrote this letter? I said, yes. Why didn't you come before? I said, I didn't know that you had interested. He said, no, only this morning this letter was shown to me. Explain to all my officers what you have written. So I said, isn't it a bit too late? You have already said on the television, it says that you have invited her to form the government at 5 o'clock. Ah, that is at 5 o'clock. This is just now only 12:45. So he explained. So I explained that this is proviso, that if an Indian foreigner becomes an Indian citizen, he's subject, according to that section, which subsequently they have removed it, but I can bring it back because it's unconstitutional to remove it. If there is a foreigner becomes a citizen of India, he or she will be subject to those conditions which an Indian becoming a citizen of that person's country is subject to. So in Italy, unless you are born there, you cannot hold public office. So therefore, she can't hold public office. She is subject to the same kind of condition. So I said, on this ground, then one of the officers asked, is this constitutional? So I said, it was Allahabad High Court judgment, is the only one Pakistani wanted to contest elections, and it was used against him for some clause in the Pakistani. Pakistanis, I don't think, allow naturalized Pakistanis to contest elections. I don't know, there was some problem, but there was a judgment. Then Abdul Kalam said, now, they told me in Tamil, you go home. I said, but what will happen, 5 o'clock? He said, just watch. So I said, the press is waiting outside. I remember ZTV was there. But the press was in a celebration mood. So when I came out and they asked me why you went, so I explained. So they started making fun of it. You are all the time creating problems. I mean, tum kabhi chhod do bhai, aise hi mauka mein to chhod dena chahiye, like that.
But anyway, I went home, and then 3 o'clock, Abdul Kalam sent a letter in which to Tin Janpat, in where Sonia Gandhi was there waiting to receive that letter, because they got a telephonic advance note. Manmohan Singh was there, and Natwar Singh was there, according to my information. And she opened the envelope, and then she burst into tears, according to one report. I won't tell you who told me. And then showed the letters. And now the problem was, they had invited at 5 p.m. before going to Rashtrapati Bhavan, all MPs to collect together and go in a procession. So they are all in the Central Hall of Parliament, they had been collected. Then walked in Manmohan Singh at 5 o'clock. And he said, we have got an urgent letter from the President of India. But he read only the last line. The last line said that I have, the letter said, I have received a complaint. I had invited you at 5 p.m. to stake claim for the forming the government. But I have received a letter from Dr. Swami, my name, and he has raised certain issues of law. And so I will have to refer this to the Election Commission and Supreme Court for an opinion. So till that time, it is not possible for me to invite you to form the government. Then the last line says, if, however, you want still to go ahead with the formation of the Congress government or your coalition government, come tomorrow at 10 o'clock, but at 5 o'clock appointment has been cancelled. So Manmohan Singh read the last line, as if Abdul Kalam wanted it at 10 o'clock and not there. And many speculation went, oh no, graha ka sawal hai, ye hai. Now, next day she went and she kicked up a real fuss. There was a big fight between the two. But he stood his ground and he also said, madam, you have an Italian passport. And don't push this. Get some nice man in your party. Then Manmohan Singh was waiting in the outer room. He was called in, and that's all. Then they had to take 3 days or 4 days extra, because all the letters had to be prepared for Manmohan Singh. She had already prepared the letters for her, about 320 letters or something, MPs. Each MP saying, I so-and-so elected from so-and-so place, hereby propose Sonia Gandhi for the Prime Minister of India. Now that's a very unusual thing, because normally you say, I, President of the party so-and-so, on behalf of my party, propose Congress party or X party or Y party to lead the government. So why this special letter? Now in that there was also a letter, I, Sonia Gandhi, elected from Rai Bareli, hereby propose the name of Sonia Gandhi for Prime Minister. So nobody can say that she had no intention. All right. Then later on I was told that from the NCP that they had given this letter, old style letter, the NCP proposes the name of Sonia Gandhi. Then Sonia Gandhi phoned up an NCP office bearer and said, no, there'll be confusion. You write a separate, each MP should write a separate letter for Prime Minister. So that's how this letter was changed. So there are at least 3-4 lies that were told, that she was not interested in being Prime Minister. She sacrificed when she could have become. So Anupam Kher is absolutely right. And he, of course, I have published here and there. It didn't get wide publicity those days. The press was more or less controlled by them. But he was absolutely right, and I'm willing to support it in any forum if he wants me to give proof on this. So do you think it will break records? This movie should break records, because it is historically accurate. Mm-hmm. Okay, I mean, it's a little hurtful for Manmohan Singh, but Manmohan Singh knows it. He's a friend of mine. I know it. I make fun of him also. I call him a circus lion. You know, in circus, the lion is very strong. It's also called Singh. Okay. But one ringmaster will say, stand up, get up. And we'll do that. Same thing with Manmohan Singh. In the 2G, he told Raja, no, you auction it. Don't give it on one first come, first basis.
Raja writes him a letter. I have cleared it with the highest authority, and I insist on giving on first basis. If he was a true prime minister, he would have sacked him, removed him. But a good man, but he enjoyed life as 10 years. And we had narrow escapes with him because Siachen was nearly given away by him at Sonia Gandhi's pressure. So when she says about Pakistan in the cinema, which I saw in an excerpt, 100% true. Each time she was forcing him. And she was not against the US, Indo-US deal. But she couldn't come out, she was afraid of the Americans also. So either with a problem created and later on she surrendered. So I think this is a historically accurate, I have not seen the film, so I can't say for sure. But whatever excerpts I have seen historically, and it is history, which people don't know. So therefore it's a revelation. And it should be honored, the government should survive, write off all sales tax, everything for this, and show it free. सर अब तो रैली चल रही है सरकार का परमिशन नहीं है बट आपकी सरकार है वहाँ परमिशन नहीं है बट फिर भी लोग गो अहेड है गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं नया डिमांड क्या है डिमांड हाँ किसके लिए दलित का तो है ही तो कौन सा नया रेजोल्यूशन पता नहीं किस मांग है बट भीम हो या युधिष्ठर हो या को आप हमारे संविधान के अनुसार शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है तो कोई रोक नहीं सकता परंतु हिंसा करोगे तो फिर सख्ती से उनको निपटना चाहिए सर अशोरा ग्रुप ने ये कहा है सीबीआई की जो थ्योरी थी वो कहीं ना कहीं इम्प्लीकेट करने के लिए थी पॉलिटिशियंस को सीबीआई ने चिदम्बरम उसमें उसी में लगा हुआ था अब चिदम्बरम को बचाने के लिए हमारे पार्टी में भी लोग ऐसे एक दो हितेशी हैं उनको समझाओ और जो जो ऑफिसर उसके पीछे पड़ा था चिदम्बरम का उसको निकालने में लगे हुए थे हसमुख आडिया गया क्यों क्योंकि वो ऑफिसर को उसके बदनाम करने वाला था वो राजेश्वर को ये नाम है राजेश्वर सिंह उसको जानता हूँ मैं आई मीन आई सीन हिम इन द इन्वेस्टिगेशन क्योंकि ये मेरा पिटिशन है एयरसेल मैक्सिस और बच्चे चिदम अब देखिए पांच लोगों के सैंक्शन देनी है ऑफिसर्स की फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं दे रही है क्यों इसी केस में तो चिदंबरम तो मोहन भागवत को भी आरोपी बनाने वाला था हिंदू टेरर में और बहुत अच्छा हुआ ये जज ने ऐसा कहा ये इन्होंने दुनिया भर की कुकर्म की और आज हमें इंटॉलरेंस का भाषण देते हैं सर महुआ मुफ्ती एनआईए ने जो 10 आतंकी का जो आरोप है बच्चों पे उन लोगों को गिरफ्तार किया है और कई बहुत सारे गोला बारूद बरामद किए थे अब महुआ मुफ्ती कह रहे हैं कि सस्पिशन रेज कर रहा है उनको सस्पिशन हो रहा है एनआईए क्या उसको हाँ वो अब उसको अकेला पड़ गई ना तो टेररिस्ट को कितना खुश रख सकती है उसके लिए प्रयास कर रही है परवाह नहीं करेंगे सर आप लोगों की जो भी यात्रा होती है भाजपा की जो भी यात्रा होती है वो दंगा यात्रा ही होती है और वही वो बंगाल में करने की कोशिश कर रहे हैं पर तुम आप मुख्यमंत्री हैं तो आप जो दंगा करेंगे उनको पकड़ के अंदर करिए बट यात्रा को ही रोक दें ये कैसा होगा डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता हाँ उसकी क्या प्रॉब्लम है कि सीपीएम का 32 साल राज में उन्होंने इतना कुकर्म किया तो उसको समझ में नहीं आती कि भाई हमारे ऊपर क्यों इतना नाराज होते हैं जब सीपीआई सब करते रहती थी कोई कुछ बोला नहीं उनका खोपड़ी भी तोड़ दिया था ममता का बहादुर महिला है वो उसको समझाना चाहिए क्योंकि मैंने देखा एक मंदिर का सवाल मैंने उनसे उठाया था और बातचीत से हल हो गई और हमारे बीजेपी लोग भी आश्चर्यचकित हैं ये कैसे मान लिया उसने अब एक उसकी सहानुभूति जरूर होनी चाहिए उसके प्रति क्योंकि उन्होंने कम्युनिस्टों को जीरो कर दिया लेकिन ये प्रवृत्ति है कि दंगा नहीं होना है तो फिर मत दो अब हाईकोर्ट ने भी डिवीजन बेंच ने उनको सपोर्ट कर दिया है तो बंदो मैं कहता हूँ कि जब तक हिंसा नहीं होगी आप किसी डेमोंस्ट्रेशन को रोक नहीं सकते सर आपके सही अपना दल जो उत्तर प्रदेश में है वो भी नाराज है
कुछ दल पहले जा चुके हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ इज्जत नहीं है। ये जिम्मेदारी अमित शाह का है। मेरा तो दृष्टिकोण दूसरा अलग से शुरू से रहा, जो हमारे हिंदुत्व भाई हैं उनको साथ जोड़ो, उसमें शिवसेना आती है और कोई नहीं आती है। हिंदू महासभा को मैं हिंदुत्व पार्टी मानता ही नहीं हूँ, वो पता नहीं 16 हिस्सा में बट गए और मुझे भी गाली देते हैं राम मंदिर के इसमें तो उनका पता नहीं क्या होता है। और एनीवे उनका जो बैकग्राउंड है गांधी मर्डर के टाइम से गोपाल गोडसे ये सारे के मेंबर्स थे, तो एक पब्लिक में एक रेजिस्टेंस है। बट बाकी जो भी हिंदुत्व के लिए कहेंगे उनको इकट्ठा करने हैं, बट इसको भी ले लो उसको भी ले लो। जो अब कई ऐसे पार्टीज हमने लिया है जो हर सरकार जब बनती है उनको इन्हें स्वाद आती है कि हाँ अब इनकी पार्टी की सरकार बनेगी तो वहाँ चले जाते हैं। आप देखिए कई ऐसे हैं जो पिछले 20 साल से हर गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे हैं। और मैं समझता हूँ हमारे सिद्धांत होना चाहिए, और ये जो हमारे सिद्धांत से मिलने वाले लोग नहीं हैं उनको जाएंगे तो जाने दो, और जो सिद्धांत में होने के बाद नाराज हैं उनको उनको मनाओ, जैसे शिवसेना है गुस्सा में उसके साथ शरद पवार के कारण थोड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन समझाना होगा उनको, छोड़ना नहीं है। तो और मैं कभी भी कर सकता, पिछले बार भी मैं ही लाया था इनसे बातचीत करके, फिर ये बात हुई, मैं जाकर मिला था उद्धव ठाकरे। वो अच्छे लोग हैं, बहुत काम करते हैं और दिल से शुद्ध हिंदुत्व है। मेरी हमारी पार्टी सिर्फ हिंदुत्व के लिए हिंदुओं को इकट्ठा करना चाहिए, और वो मुसलमान जो अपने को पूर्वज हिंदू मानते हैं वो भी हमारे परिवार के, सिर्फ जो गौरी और गजनी के औलाद मानते हैं वो हमारे साथ नहीं है।